नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की धमाकेदार स्कीम, मंथली इनकम स्कीम में कितना पैसा आप डालोगे तो कितना रिटर्न मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में डिटेल में हम देखने वाले और कुछ नए अपडेट है उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले। साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे यारों और वीडियो को लाइक कर दो। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। तो ये भारत सरकार की एक स्कीम है पोस्ट ऑफिस, यानी कि आपका पैसा एकदम सेफ है, 100% भारत सरकार की गारंटी है। बैंक वगैरह में हम डालते हैं तो वहाँ पे रिस्क होता है, 5 लाख का खाली बीमा होता है, उसके ऊपर कोई भी पैसा डालते हैं तो उसमें रिस्क होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में कोई रिस्क वाली बात नहीं, आराम से आप इसमें पैसा लगा सकते हो। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं MIS स्कीम के बारे में। सबसे पहले एक कौन कौन ओपन करवा सकता है, भारत का कोई भी नागरिक ओपन करवा सकता है ये अकाउंट। आप सिंगल भी ओपन करवा सकते हो और जॉइंट भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अभी साथियों बात करें तो डिपॉजिट यानी कि आपको पैसा कितना रखना है। आपको मिनिमम 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है और मैक्सिमम इनकी 9 लाख की लिमिट है सिंगल अकाउंट में, और जॉइंट अकाउंट में इसके अंदर आप 15 लाख रुपये तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और बात करते हैं इंटरेस्ट रेट, आज का ताज़ा इंटरेस्ट रेट है इसमें 7.4, यानी कि 7.5% जितना आपको आराम से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जा रहा है, इसलिए काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी बात करते हैं टेनर, यानी कि कितने साल आपको पैसा रखना है। यहाँ पे 5 ईयर का टेनर है, 5 साल आपको पैसा रखना है। हर महीने इसके अंदर आपको ब्याज दे दिया जाएगा खाते में, हर महीने आपके खाते में सेविंग अकाउंट में ब्याज आ जाएगा, उसके आप RD भी करवा सकते हो। अभी साथियों बात करते हैं कितना पैसा आप डालोगे तो कितना रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं 1 लाख रुपया, अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया तो हर महीने आपको मिलने वाला है 670 रुपया, यानी कि 5 साल में टोटल ब्याज हो जाएगा 37020 रुपया, 5 साल का इतना ब्याज होगा। अगर हर महीने आप RD करोगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 43800 रुपया। अगर हर महीने जो सेविंग में ब्याज आता है हम उसकी RD कर देंगे तो यहाँ पे ब्याज हो जाएगा 43800 रुपया। अभी बात करते हैं अगर हमने 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो हर महीने ब्याज आएगा 1233 रुपया, और टोटल इंटरेस्ट यानी कि 5 साल में इंटरेस्ट बन जाएगा 73980, और हर महीने RD करेंगे तो ब्याज टोटल बन जाएगा 87531। अभी हम 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर महीने हमें मिलेगा 1850 रुपये, और टोटल 5 साल में ब्याज बन जाएगा 1,11,000, और अगर RD हम महीने कर दे तो वो पैसा बन जाएगा 1,31,333। अब 5 लाख का अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे हर महीने मिलेगा 3,083 रुपया, और 5 साल बाद यानी कि टोटल आप ले चुके होंगे 1,84,980, और हर महीने जो ब्याज आता है उसकी हम अगर RD करते हैं तो टोटल ब्याज होगा 2,18,864 रुपया, और अगर 10 लाख की बात करें तो हम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6,167, और टोटल इंटरेस्ट यानी कि 5 साल में इंटरेस्ट बन जाएगा 3,70,000, और टोटल जो अगर आप RD करोगे तो टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 4,09,460 रुपया, और हम 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर महीने आपको मिलेगा 9,250, और 5 साल बाद ये हो जाएगा टोटल 5,55,000, और अगर आप RD करते हो तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है 6,56,600, यानी कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है। आज ही पोस्ट ऑफिस विजिट कीजिए और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, MIS काफ़ी अच्छा प्लान है। जय हिंद, जय भारत।